मातरम करुणा महिमा परम प्रभु श्री अरविंद। आज के सातवीं कक्षा के हिंदी क्लास में सभी भाई बहनों का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम दयालु बालक राम हरि के अभ्यास कार्य देखेंगे। हमारा क्या पाठ संपन्न हो गया था, तो हम उसके प्रश्नावली यानी कि अभ्यास कार्य देखेंगे। दयालु बालक राम हरि, तो बच्चों अभ्यास कार्य देखेंगे। अभ्यास तो हमने नंबर दो कर लिया था, और तीन नंबर तुम लोगों को मैंने लिखने के लिए बोला था, पढ़ो और लिखो वहां पर क्या गया है। तो आज हम पहले नंबर जो नहीं किया था, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, तो उसको हम पूरा वाक्य में आप लिखने लिखेंगे, है ना। तो नंबर पहला जो है, उसका नंबर क देखेंगे। नीचे लिखे प्रश्न उत्तर दो, कलिंग के राजा कौन थे। तो हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि कलिंग के राजा रघुनाथ हरिचंदन थे। कलिंग के राजा रघुनाथ, ये अभ्यास कार्य को यहाँ पर मुझे रघुनाथ नंबर पे दिया गया है। राजा के पुत्र का नाम क्या था, राजा के पुत्र का नाम राम हरि। तो राजा के पुत्र का नाम क्या था, राजा के पुत्र का नाम राम हरि। नंबर पे प्रजा राजा को क्यों लगान नहीं दे सकी, प्रजा राजा को क्यों लगान नहीं दे सकी, क्योंकि वहां पर अकाल आ गया था यानी कि मरुड़ी
अड़ गया था, इसलिए प्रजा राजा को लगान नहीं दे पा रही थी, है ना। तो राज्य में अकाल पड़ने के कारण राज्य में अकाल पड़ने के कारण प्रजा राजा को लगान नहीं, है ना। प्रजा राजा को लगा नहीं दे सके, तो बारह नंबर पर क्या दिया है, राजकुमार कौन सी विद्या सीख रहा था। तो राजकुमार कौन सी विद्या, धनुर्विद्या। राजकुमार राजकुमार धनुर्विद्या सीख रहा था। तो यहां पर हमें भाव नंबर पता चल गया, राजकुमार धनुर्विद्या सीख रहा था। मौ नंबर पे क्या दिया गया, रामहरि ने पुरस्कार में क्या मांगा। रामहरि ने अपने पिताजी को पुरस्कार में क्या मांगा, रामहरि ने पुरस्कार में मांगा कि पिता जी यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप इन गरीब प्रजाओं को सभी वस्तुएं लौटा दे और इन्हें जाने की आज्ञा दे, है ना। तो रामहरि ने पुरस्कार में मांगा पिताजी यदि हाँ मुझसे प्रसन्न है तो आप इन गरीब प्रजाओं की गरीब प्रजाओं की सब वस्तुएं लौटा दें
और इन्हें जाने की आज्ञा ना। तो राम हरि ने क्या कहा, पिताजी यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप इन गरीब प्रजाओं के सारी वस्तुएं लौटा दें और इन्हें जाने की आज्ञा दें। ये हो गया हमारा वन नंबर, है ना। तो पहला तो कलिंग के राजा रघुनाथ हरिचंदन थे, राजा के पुत्र का नाम रामहरि था, है ना। राज्य में अकाल पड़ने के कारण प्रजा राजा को लगान नहीं दे सकी। घ नंबर राजकुमार धनुर्विद्या सीख रहा था। राम नंबर रामहरि ने पुरस्कार में मांगा, पिताजी यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप इन गरीब प्रजाओं की सभी वस्तुएं लौटा दें और इन्हें जाने की आज्ञा दें, है ना। ये हो गया हमारा पांचवा। तो चार नंबर यहाँ पर हम लिखेंगे, चार नंबर पर क्या है, किसकी आंखों में आनंद के अश्रु आ गए। राजा रघुनाथ हरिचंदन की आंखों में आनंद के अश्रु आ गए ना। राजा रघुनाथ राजा रघुनाथ हरिचंदन की आंखों में आनंद के अश्रु किसने राम हरि के हृदय से आशीर्वाद दिया। तो प्रजाओं ने राम हरि को हृदय से आशीर्वाद दिया। किसने प्रजाओं ने राम हरि को हृदय से आशीर्वाद दिया। प्रजाओं ने रामहरि को हृदय से आशीर्वाद दिया। ये हो गया नंबर पांच। छह छह हो गया एक नंबर का, सॉरी हम देखेंगे अब। हमारा दो नंबर हो गया था, तीन नंबर हो गया था, अब हम चार नंबर के यहाँ पर जो दिया गया है विलोम शब्द।
तो नंबर चार में विलोम शब्द दिया गया है। भविष्य भविष्य का यहाँ पर दिया गया है तुम्हारे पुस्तक में, वहां पर भविष्य का क्या होगा? भूत। भविष्य यानी वर्तमान चल रहा है और भविष्य होगा, लेकिन पहले जो हो चुका है अतीत, उसे हम भूत भी कहते हैं। तो यहाँ पर भविष्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? भूत। उपस्थित। उपस्थित उपस्थित का क्या हो जाएगा? अनुपस्थित। वीर। वीर इसका विलोम शब्द हो जाएगा यानी विपरीत। कायर। दयालु। दयालु का यहाँ पर निर्दयी, जो दयावान नहीं है। यहाँ पर दयालु का क्या हो गया? निर्दयी। राजा। राजा का क्या हो जाएगा? रंग हो गया ये। और यहाँ पर गरीब। गरीब का क्या हो जाएगा? अमीर। पुरस्कार। पुरस्कार का क्या हो जाएगा? दंड। तो ये हो गया हमारा विलोम शब्द। भविष्य का भूत, उपस्थित, अनुपस्थित, वीर का कायर, दयालु का निर्दयी, राजा का रंग, गरीब का अमीर, पुरस्कार का दंड। तो ये हमारा हो गया नंबर चार। पांच नंबर पर, पांचवी नंबर पर जो दिया गया है तुम्हें, वो है सही वाक्यों के सामने सही का निशाना और गलत पर गलत का निशाना, ये लगाने को बोला गया है। तो पांच नंबर पे ये तुम्हें दिया गया है अगर सही गलत हो गया। तो का नंबर पर जो दिया गया है, राजा का नाम रघुवीर मिश्र, तो राजा का नाम तो रघुवीर मिश्र नहीं था, क्या था? राजा का नाम रघुनाथ हरिचंद्र था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। खा नंबर पर जो दिया है, राजा का पुत्र बहुत वीर तथा दयालु था। राजा का पुत्र वीर और दयालु था। नंबर ग, रामहरि ने प्रजाओं का दुख दूर करने का निश्चय किया, तो ये सही हो जाएगा। किया था रामहरि ने, उन दिनों राजकुमार गदा विद्या सीख रहा था। ये गलत हो जाएगा। राम क्या सीख रहा था? धनुर विद्या सीख रहा था, है ना। और वह नंबर पर जो है, उस समय राजकुमार रामहरि अपने पिता के पास बैठा हुआ था। ये सही है। वहां पर प्रजाओं की जब बात हो रही थी, वहां रामहरि वहां पर बैठा था। तो ये जो पुस्तक में दिया गया, इसको तुम लिखकर ये गलत और सही का निशाना लगाना, ऐसे मेरे तरह मत कर देना। यहाँ पर लिखना कि राजा का नाम रघुवीर मिश्र था, ये गलत है, गलत का निशाना। ये अगर सही हुआ, सही का निशाना, ऐसे लिख कर तुम्हें करना होगा। उसके बाद तुम्हें लिंग बदलो। नंबर छह में दिया गया है,
ये तुम्हारा हो गया होगा विलोम शब्द। नंबर 6 में लिंग बदलू। नंबर 7 यहाँ पर हमें लिंग बदलना, अगर लिंग निर्णय दिया हुआ होता तो यहाँ पर क्या हो जाता, राजा तो पुलिंग हो जाता, लेकिन यहाँ पर लिंग बदलो दिया गया है इसलिए राजा का लिंग बदलने से रानी होगा, क्या होगा, राजा का रानी हो जाएगा, राजा का क्या हो जाएगा रानी। यहाँ पर राजा का रानी, पुत्र का पुत्री, ये हम लिंग बदल रहे हैं, राजकुमार का राजकुमार, यहाँ पर राजकुमारी दिया हुआ है तो यहाँ पर राजकुमार हो जाए, तो मामा मामी भाई बहन। माता पिता, तो ये हो गया हमारा पुत्र पुत्री राजकुमार, राजकुमारी राजकुमार, मामा मामी भाई बहन, माता पिता, दादी दादा, चाची चाचा। तो यहाँ पर हमारा हो गया कि मामा मामी भाई बहन माता पिता दादी दादा चाचा चाची, ये तुम्हारा लिंग बदलो हो गया। उसके बाद हमारा जो दिया गया है परसक सहित बहुवचन लिखो। हमने तो पाठ में वचन बदल लो देख लिया था कि जो वचन बदलता है आँख का आँखों हो गया, अगर वहां पर परसर लगा है तो आँखों में क्या हो गया, वो परसर है, लेकिन आँख एक वचन में है और वो बहुवचन हो गया था आँखों में, है ना। तो यहाँ पर हमें दिया गया है कि राजा का राजाओं को, तो हमें यहाँ पर सब जगह पे को लगाना है, को क्या है, वो परसर है, तो राजा एक वचन है लेकिन राजाओं ये बहुवचन में आ गया, तो राजा का क्या, राजाओं ये बहुवचन हो गया, और यहाँ पर को जो लगा है वो उसका परसर्ग है, तो परसर्ग सहित बहुवचन लिखो। यहाँ पर परसक सहित बहुवचन लिखो हो गया है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या हो गया था, राजा ये तुम्हें बुक्स में पुस्तक में दिया गया है, राजा राजाओं को, इसी प्रकार हम सभी को लिखाएं लिखेंगे सिपाही, सिपाहियों को सिपाही, यहाँ पर सिपाही पियो को
तो समस्या समस्याओं को किसान किसान का क्या हो गया, किसानों को किसान का क्या हो गया, किसानों को आँख आँखों में या फिर आँख को यहाँ पर जो को दिया गया है, तो हमें सभी में को का परसर लगाना है, आँखों को प्रजा प्रजाओं को प्रजा का क्या हो गया, प्रजाओं को और कला कलाकार कलाम पर तुम्हारा क्या कला कलाओं को और एक राजकुमार राजकुमारों को राजकुमारों को ये हो गया हमारा पर्षद है ना। और जो नंबर 8 रह गया, पढ़ो समझो लिखो, इसको हम दूसरे क्लास में करेंगे। अब तुम्हें मैं कुछ असाइनमेंट क्वेश्चन दे रही हूँ, बोल लिख लेना, तब तुम लोग लिख लो अपनी कॉपी में। अभ्यास कार्य पहला लिंग बदलना, पिता और चाचा नंबर 2 शुद्ध करके लिखना, धनुर्विद्या और
उपस्थित। नंबर थ्री जो है ये हो गया अगर तुम्हारा। नंबर थ्री में तुम्हारा अर्थ निश्चय अकाल और अनहार। निश्चय काल होनहार। निश्चय अकाल और होनहार का तुम्हें अर्थ लिखना है। तो ये करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज देना, और एक नंबर जो रह गया हम नेक्स्ट क्लास कर लेंगे और नया चैप्टर भी शुरू कर लेंगे। ये कभी व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना। वंदे मातरम।